नमस्कार नेगी जी, किनौर अब तक पेज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। महोदय जी, पिछले कल जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्राम सभा की मीटिंग थी आपके जो है अपर में रारंग साइड में, तो वहां पर सभी विभाग आए थे और एक पिछले कल ही सोशल मीडिया में भाषा एवं संस्कृति विभाग का अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है कि काम करने के लिए दिया गया है कि आप काम कर सकते हो, तो क्या दर्शाता है, क्या वहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर शायद जो है संस्कृति भाषा एवं संस्कृति विभाग के पास है नहीं कि वहाँ पर जैसे कि बौद्धिस्ट से जुड़ा हुआ काफ़ी चीज़ है, हमारे चील जंगल है और किले है, थोड़ा सा प्रकाश ढालेंगे कि एक और गाँव और जो है गाँव की जितने भी जनता बहिष्कार कर रहे हैं वहीं जो है सरकारी विभाग जो है तंत्र है जो क्लीन चिट दे रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, ये सुनकर और पढ़ करके मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि भाषा एवं संस्कृति विभाग ने ना जाने किस हिसाब से ये इन्होंने अनापत्ति पत्र दिया है। जंगी ठोपन जो हाइडल प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है और ये सरकार की तरफ से जो सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है, अब ये इस क्षेत्र में अब इस परियोजना को स्थापित करने के लिए रात दिन बहुत कोशिश कर रही है, लोगों से मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी मोरंग में ग्राम सभा का इन्होंने आयोजन किया था, तो उसमें भी लोगों ने विरोध दर्ज किया है, कानम में भी विरोध दर्ज किया है और तात्कालिक मुद्दों के ऊपर तो लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारे को भी इस बात की बड़ी गहरी चिंता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ तक पुरातत्व का सवाल है तो वैसे तो समूचा किन्नौर ही पुरातत्वीय क्षेत्र है। किन्नौर का एक एक गांव, एक एक घर, किन्नौर के जितने भी हमारे प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर, प्राचीन ऐसे संस्कृति से जुड़े हुए बड़े ऐसे ऐसे केंद्र हैं जिनका बहुत गहरा इतिहास इस क्षेत्र की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, इस प्राचीन कबीलाई जनजाति के लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और भाषा एवं संस्कृति विभाग जिनका ये दायित्व है कि भाई वो ऐसे क्षेत्रों में पुरातत्व से संबंधित जितने भी ऐसे स्थान हैं, पुराने ऐसे ऐसे धरोहर जो चीज़ें हैं उसका संरक्षण करें, लेकिन दुख होता है जब वो शिमला में बैठ करके शिमला से बाहर का जो हिमाचल प्रदेश है वो कितना बड़ा है इसकी जानकारी इन्हें नहीं होती है। और हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि कहा गया है, बड़े बड़े बोर्डों में, बड़े होल्डिंग्स के अंदर सरकार की तरफ से भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है देवभूमि हिमाचल में, बाहर के लोगों का बड़ा आगमन है, स्वागत है, लेकिन वास्तव में देवभूमि हिमाचल के को किस रूप में वो लोग परिभाषित करते हैं, उसका पैमाना क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी कसौटी की बात है। तो भाषा विभाग के डायरेक्टर की तरफ से ये जो NOC चला गया है, उन्होंने ना तो इस क्षेत्र में कभी इस तरीके से कोई सर्वे किया, ना तो यहाँ के लोकल जो बॉडीज हैं या जो इस क्षेत्र में जो काम करते हैं या ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इस सारी चीज़ों को देखा है, उन्होंने इसका संरक्षण करके रखा हुआ है, या जो कम से कम पंचायतों में आकर के वो सर्वे करते, उनसे जब यह प्रश्न पूछा गया था कि भाई ऐसा कोई पुरातत्व संबंधी कोई ऐसा स्थान है या नहीं है जिससे कल को प्रोजेक्ट के खुलने की वजह से, ये जब परियोजना खुलेगी या बनेगी तो वहाँ पर उसका नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों का क्या समाधान, क्या उसका जो है तो उपचार किया जा सकता है, इस सिलसिले में सरकार ने शायद पूछा हो तो। लेकिन भाषा विभाग शिमला में बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके इस तरीके से NOC दे दे, अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने तरफ से जारी करे, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये स्वीकार्य भी नहीं है। और उन्हें मुझे मेरे को तो ये लगता है कि इस विभाग में काम करने वाले जो लोग हैं इन्हें इनको किन्नौर के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, जैसे किन्नर सभ्यता की संस्कृति को लेकर के कालिदास, महाकवि कालिदास ने अपने अमर रचनाओं के अंदर बड़ा बड़ी उल्लेख किया है। राहुल संकरतायन जी ने एक एक चीज़ बताया हुआ है, अभी भी अभी 150-200 साल पहले की बात है, उनके किन्नर देश की किताब को पढ़ो, हिमाचल जो के ऊपर किताबें लिखी है, बहुत बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो, किसी क्षेत्र के बारे में आप जब आप उस विभाग में काम कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि भी पूरे हिमाचल के इतिहास, संस्कृति और उनके पुरातत्व से संबंधित जितने भी ऐसे स्थान हैं, अभी मोरंग में जो है तो इन्होंने ग्राम सभा किया सतलुज जल विद्युत निगम वालों ने, वहाँ ग्राम सभा में इनको ये पता होना चाहिए कि मोरंग में वहीं सामने जहाँ जिस जगह पर इन्होंने ग्राम सभा, उसके साथ ही एक बहुत बड़ा किला है और वो पांडवों के समय का किला है, वो 5000 साल पुराना किला है वो,
आज उसका भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एक फंड दिया गया उसके रेनोवेशन के लिए, उसके पुनर सबने देखा है कि मोरंग में जो है तो ये बहुत प्राचीन किला है, बहुत इसका सांस्कृतिक महत्व और इसका एक बहुत बड़ा पक्ष रहा है। और ये इतिहास में तो ऐसा कहा गया है कि पांडवों के वनवास काल में बनाया गया है ये किला, तो आज भी वहाँ पर जो है तो जो मोरंग के जो दो देवता हैं उनका जो देव स्थान भी वही किला है, उस किले में ही वो देवता साहब विराजमान होते हैं। और साल में जो है तो उनका ओर्मिक का एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो पांडवों के इतिहास से क्या इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो किला है उसको भारत सरकार की तरफ से एक काफ़ी अच्छा फंड मिला है, बहुत प्रयास किया है मोरंग के लोगों ने भी किया है और बहुत सरकार की तरफ से भी इसको संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है। तो हमें तो प्रसन्नता है कि ऐसे पुरातत्व की चीज़ों का संरक्षण हो रहा है। अब मोरंग भी एक किस्म से प्रभावित क्षेत्र में आ रहा है, जब वो लोग वहाँ जाकर के जब जन सुनवाई कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, ग्राम सभा से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं जंगी थोपर परियोजना के बारे में, तो मुंह के सामने वहाँ इतनी बड़ी किला है और वो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक स्थान रखता है, उनको वो नज़र नहीं आ रहा है भाषा विभाग वालों को कि वो इतना बड़ा ऐतिहासिक किला है। वो कैसे लिख करके देते हैं कि भाई जंगी ठोपर परियोजना क्षेत्र के अंदर कोई भी पुरातत्व से संबंधित कोई ऐसा स्थान नहीं है। मेरे अपने गांव रारंग के अंदर रतनबदर जी के टाइम का, जब भिक्षु रतनबदर जी 10वीं शताब्दी में जब वो उठते थे जंगाचारिक सिद्धि के माध्यम से वो उठते थे, ऐसा इतिहास में भी इसका वर्णन आता है, जिक्र आता है। रिंचन नंगपो के ऊपर तो बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। तो वो रिब्बा से जब रारंग उठ करके आए तो रारंग में जो है तो एक पत्थर के ऊपर छाप बैठे उनका पूरा आत्मकत चिन्ह जो है तो वहाँ पर गांव के अंदर एक बार हर साल देवता साहब वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं उसको, बड़े शुद्ध उसका वहाँ पर साफ सफाई करके उसको रखा जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जगह है उसके साथ, और बहुत सारे ऐसे हमारे 17वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी से लेकर के बहुत साधकों के ऐसे ऐसे जंगल के अंदर या वहाँ पर ऐसे ऐसे गुफाएँ हैं जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, जो साधना गृह बने हुए वहाँ पर। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहे भले ही उनका कोई बहुत बड़ा भव्य स्वरूप ना हो, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। उसके बगैर हमारी संस्कृति, हमारी किन्नौर की जो देव परम्परा है वो सब अधूरा है, वो सब शून्य है। तो जब वो जब ऐसी बातें जब पूछा जाता है या कहीं इस तरीके से प्रश्न पैदा होता है, तो भाषा विभाग के लोगों का ये फर्ज बनता था कि वो लोगों से संपर्क करते, उस क्षेत्र में जाते कि हमारे पास ऐसा पूछा गया, ऐसा प्रश्न आ रहा है, NOC मांगा जा रहा है, तो आप बताइए कि आपके पास क्या क्या ऐसा कोई पुराना है या नहीं है। हम बताते उनको, हम दिखाते उनको, उसका रिकॉर्ड भी हो जाता। लेकिन शिमला में बैठ करके डायरेक्टर साहब NOC दे रहे हैं, अब पता नहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव ऊपर से पड़ा है या किस लालच में उन्होंने ये NOC दिया है। ये तो एक संदेह के दायरे में है ये सारा प्रश्न, इसको तो अब आगे जा कर के हम पूछेंगे। तो मैं तो किन्नौर के अपने राम भगत नेगी जी हैं, बहुत युवा साहित्यकार, कला और ये कला और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से, और जितने भी जागरूक जो साहित्य और किन्नौर की संस्कृति से प्यार करते हैं, किन्नौर के नैसर्गिक सौंदर्य से प्यार करते हैं, किन्नर कैलाश से प्यार करते हैं, उसके गोद में खेलने पलने वाली हमारी जो सभ्यता की जो आज की पीढ़ी है, उन सब लोगों से तो अर्ज करना चाहता हूँ कि वो लोग इन चीज़ों को ध्यान दें, इसके ऊपर गौर करें और